गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा वर्मा, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, GRWPC जोधपुर। फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी ऑफ फैशन की फर्स्ट यूनिट टूल्स फॉर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के लास्ट पार्ट स्विंग थ्रेड के बारे में जानकारी देंगे। स्विंग थ्रेड सिलाई के धागे अथवा थ्रेड का उपयोग फैब्रिक के दो हिस्सों को सिलाई के द्वारा एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इन धागों को रेशों के प्रकार, निर्माण व साइज के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। धागों का निर्माण सिंगल फाइबर जैसे कॉटन, लिनन, सिल्क, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, रबड़ आदि द्वारा किया जाता है, अथवा किन्हीं दो तंतुओं या फाइबर के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। वस्त्रों की सिलाई, कढ़ाई आदि सभी कार्यों में धागों की आवश्यकता होती है। हाथ तथा मशीन दोनों प्रकार की सिलाई कढ़ाई में हम विभिन्न प्रकार के धागों का यूज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ थ्रेड अर्थात धागों का चयन। स्विंग थ्रेड विभिन्न प्रकार की साइजेज में मिलते हैं। यहाँ साइजेज का अर्थ धागों के नंबर से है, अर्थात धागों के भी नंबर होते हैं जो कि 2 से 150 तक होते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के स्विंग थ्रेड यूज किए जाते हैं, जैसे डेनिम के लिए 20 से 40 नंबर का कॉटन थ्रेड, पॉपलिन के लिए 50 से 60 नंबर का कॉटन या स्पन पॉलिस्टर थ्रेड, डेलिकेट फैब्रिक जैसे सिल्क, वॉयल आदि के लिए 80 से 150 नंबर का सूती धागा प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अस्थायी हाथ के टांकों के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा यूज कर सकते हैं, तथा परमानेंट स्टिच के टांकों हेतु शेडेड गहरे रंग के धागे फैब्रिक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सिलाई तभी परफेक्ट बनती है जब धागों का नंबर, सुई का नंबर एवं कपड़े का प्रकार आपस में मेल खाता हो। यूजेज ऑफ थ्रेड्स अर्थात धागों का उपयोग। विभिन्न प्रकार के फाइबर से निर्मित इन धागों का उपयोग कई प्रकार के कार्यों में किया जाता है, जैसे वस्त्र निर्माण उद्योग में, लेदर उद्योग में, चाय उद्योग में, हॉस्पिटल में सर्जरी हेतु, रेन वियर, अपहोल्स्ट्री फर्नीचर आदि। टाइप्स ऑफ थ्रेड धागों के प्रकार। धागे कई प्रकार के होते हैं जो कि कपड़ों की क्वालिटी एवं धागे के नंबर पर डिपेंड करते हैं। साइज के आधार पर धागे तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि दी गई टेबल में आप देख रहे हैं। नंबर 1 थिन अर्थात बारीक धागा, यह 100 से 150 नंबर का होता है तथा थिन ग्रेड का होता है। नंबर 2 मीडियम थ्रेड जो कि साधारण धागा होता है, यह 60 से 100 नंबर का एवं मीडियम थिन ग्रेड वाला होता है। नंबर 3 थिक थ्रेड अर्थात मोटा धागा जो 30 से 40 नंबर का एवं फोर्थ ग्रेड अर्थात मोटी श्रेणी के धागे होते हैं। धागों की निर्माण क्षमता एवं कपड़े की गुणवत्ता अर्थात किन किन रेशों से इसका निर्माण होता है, इसके आधार पर धागे निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, रेयन, पॉलीकॉटन, नाइलॉन, मेटेलिक थ्रेड, सिल्क थ्रेड, इलास्टिक थ्रेड आदि। कॉटन थ्रेड सूती धागे। नाम के अकॉर्डिंग यह सूत अथवा कॉटन से बनते हैं जो कि नेचुरल फाइबर है। यह बहुत रंगों में मिलते हैं तथा हल्के से मध्यम वजन वाले सूती, रेयन एवं लिनन टाइप के फैब्रिक के लिए सूटेबल होते हैं। इनमें खिंचाव क्षमता का अभाव होता है। इन्हें प्राय मर्सराइज किया जाता है जिससे धागों को मजबूती मिलती है। यह 40 से 150 नंबर तक के होते हैं। पॉलिस्टर थ्रेड, यह मैनमेड फाइबर है जो कि 100% पॉलिस्टर से बनते हैं तथा सभी प्रकार की सिलाई हेतु उपयुक्त है। कृत्रिम रेशा होने के कारण यह सिकुड़ते नहीं है तथा इनकी बुनाई भी मजबूत होती है। सिंथेटिक तथा ब्लेंडेड फाइबर से बने होने से कपड़ों की सिलाई के दौरान ये कपड़ों में मजबूती एवं खिंचाव क्षमता प्रदान करते हैं। ये धागे 60 से 150 नंबर तक आते हैं। रेयन थ्रेड, यह सिल्क के समान धागा होता है जिसका प्रयोग डेकोरेटिव स्टिच एवं एप्लिक वर्क में किया जाता है, अतः मशीन एम्ब्रॉयडरी हेतु ये उपयुक्त होते हैं। 100% रेयन धागा स्ट्रॉन्ग एंड फाइन होता है। ये धागे 60 से 100 नंबर की साइज में मिलते हैं। कॉटन रैब पॉलिस्टर थ्रेड,
यह सभी प्रकार की सिलाई हेतु उपयुक्त धागा है जो कि दो या दो से अधिक रेशों के मिश्रण से बनते हैं, जैसे सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर या पॉलिस्टर प्लस कॉटन अर्थात पॉली कॉटन थ्रेड। पॉलिस्टर की कोटिंग कॉटन को स्ट्रेंथ एंड एलास्टिसिटी प्रदान करती है तथा ये सतह में टफ हीट रेजिस्टेंस होते हैं अर्थात अत्यधिक मजबूत धागे होते हैं। यह 60 से 150 नंबर की साइज में मिलते हैं। नायलॉन थ्रेड, यह सॉफ्ट फाइन खिंचाव वाला मजबूत धागा होता है जो कि लाइट टू मीडियम वेट फैब्रिक की सिलाई हेतु उपयुक्त है। इस धागे की सबसे महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसकी खिंचाव क्षमता अद्भुत होती है जो फैब्रिक अपीयरेंस को पूर्ण रूप से भर देती है। खिंचाव क्षमता के कारण नायलॉन धागे सिलाई करते समय धागों का टेंशन हल्का सा लूज कर देना चाहिए ताकि कमी पूर्ति हो सके। यह मुख्यतः नायलॉन कपड़ों की सिलाई हेतु उपयुक्त है जो कि साइज में 100 से 150 नंबर तक मिलते हैं। मेटेलिक थ्रेड, ये धागे स्पेशल धागे होते हैं जिनके प्रयोग से कपड़ों में चमक दिखाई देती है, किंतु ये काफ़ी नाजुक होते हैं। यह धागे एम्ब्रॉयडरी तथा क्रॉस स्टिच हेतु सुटेबल हैं, अतः कपड़ों की सिलाई हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनके प्रयोग से कपड़ों में भारीपन आ जाता है। यह डेकोरेटिव स्टिचिंग, क्विल्टिंग वर्क एवं एप्लिक के साथ साटिन स्टिच के लिए उपयुक्त है। ये धागे 60 से 150 नंबर तक के होते हैं। सिल्क थ्रेड, यह सिल्क अर्थात रेशमी रेशे से निर्मित मजबूत धागा है जो कि सिल्क तथा वूल फैब्रिक पर सिलाई हेतु काम आता है। अपनी प्रत्यास्थ क्षमता के कारण यह सभी प्रकार के कपड़ों पर सिलाई कढ़ाई के समय फाइननेस प्रदान करता है। सिल्क धागा सिल्क फैब्रिक के अलावा सभी प्रकार की निटिंग के लिए भी सुटेबल है। यह धागा हाई फैशन के महंगे वस्त्रों की सिलाई में प्रयुक्त होता है। सिल्क थ्रेड 60 से 150 नंबर तक की साइज में मिलते हैं। एलास्टिक थ्रेड, यह अन्य सभी उपरोक्त धागों से अपेक्षाकृत मोटा धागा है जो कई रंगों में मिलते हैं। ये धागे कपड़ों की सिलाई हेतु ऐसे स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर खिंचाव देने की क्षमता हो, जैसे गारमेंट में शियरिंग हेतु, डेकोरेटिव पार्ट, योक, स्लीव बॉटम आदि। ये धागे 20 से 60 नंबर के मिलते हैं। थ्रेड साइज अर्थात धागों के नंबर, धागों के साइज अर्थात नंबर हेतु विभिन्न फैक्टर कार्य करते हैं, जैसे फैब्रिक का वजन एवं प्रकार, स्टिच एंड सीम टाइप, मशीन की स्पीड, निडल का नंबर, यूज एवं सीम स्ट्रेंथ। अधिकांश धागे टैग सिस्टम व कॉटन काउंट सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाते हैं। धागों के चयन में निम्न तथ्यों का ध्यान रखते हैं, जैसे वस्त्रों की डिजाइन, प्रकार, किस्म या श्रेणी, उपयोग और चलन क्षमता, चाही गई मजबूती व सहनशीलता, कपड़े का वजन व प्रकार, स्टिच एंड सीम टाइप अर्थात एक इंच में कितनी स्टिच आती हैं, मशीन की स्पीड और निडल के नंबर, लागत मूल्य आदि। मशीन निडल, हैंड निडल एंड थ्रेड नंबर, विभिन्न हाथ तथा मशीन की सुइयां तथा विभिन्न प्रकार के कपड़ों के साथ धागों के नंबर का ज्ञान होना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे इस ट्रेड से जुड़े व्यक्ति उत्तम गुणवत्ता के साथ गारमेंट तैयार कर सके। किस प्रकार के धागों के साथ कौन से नंबर की हाथ तथा मशीन की निडल एवं फैब्रिक उपयुक्त होगा, इसके लिए हमने एक टेबल तैयार की है जो हमें ये समझने में सहायता करेगी। वह इस प्रकार है, जैसे नंबर 1 क्विल, मैट्रस, पैरासूट, कैनवास फैब्रिक के लिए 19 से 24 नंबर की मशीन निडल एवं 3 से 4 नंबर की हाथ की सुई तथा 2 से 20 नंबर का धागा सूटेबल है। मोकासिन, लेडर इत्यादि के लिए 21 से 24 नंबर की मशीन निडल, 0 से 2 नंबर की हाथ की सुइयां तथा 8 से 20 नंबर के धागे प्रयोग किए जाते हैं। थिक कॉटन जैसे जीन, वूलन, टसर इत्यादि के लिए 18 नंबर की मशीन निडल तथा 3 से 5 नंबर की हाथ की सुइयां एवं 30 से 40 नंबर के धागे प्रयोग किए जाते हैं। लॉन, पॉपलिन इत्यादि फैब्रिक के लिए 16 नंबर की मशीन निडल, 6 से 8 नंबर की हाथ की सुइयां तथा 40 से 60 नंबर के धागे प्रयोग किए जाते हैं।
हेमिंग के लिए सिल्क कॉटन फैब्रिक में 6 से 8 नंबर की हाथ की सुइयां तथा 60 से 100 नंबर के साइज में धागे प्रयोग किए जाते हैं। डेलिकेट फैब्रिक जैसे नायलॉन, सिल्क इत्यादि के लिए 9 से 11 नंबर के मशीन निडल, 11 से 12 नंबर के हैंड स्विंग निडल तथा 100 से 150 नंबर के धागे प्रयोग किए जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत वॉयल, कैम्ब्रिक, ऑर्गंडी, ऑर्गंजा इत्यादि फैब्रिक में 9, 11, 14 नंबर की मशीन निडल, 10 से 12 नंबर के हैंड स्विंग निडल तथा 80 से 150 नंबर के धागे यूज किए जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम एक नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।